जब वॉल पे चढ़ती है तो कितनी दफा इट फेल डाउन सो मेनी टाइम्स राइट. लेकिन उससे इस लोग सीखते हैं कि वो हौसला नहीं तोड़ती अपना, वो ये नहीं देखती कि मैं नीचे गिर गई हूँ, वो ये देखती है कि जो मर्जी है मैंने उसको लेके ऊपर चढ़ना है. एंड फाइनली एक दिन वो ऊपर चढ़ जाती है वेयर एवर शी वांट्स टू गो राइट. तो ऑल आई वुड से कि कई दफ़ा आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे जब आप अपने स्टूडेंट्स को फिक्स करने की कोशिश करेंगे. एंड आई वुड लाइक टू मैंशन कि जो मैं बता रहा हूँ आई एम गोइंग टू आस्क यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आपको पता है सीखने का मौका कभी भी हाथ से नहीं जाने चाहिए. यू न्यू दैट समवन वाज कमिंग टू डिलीवर अ लेक्चर राइट, यू न्यू एवरीवन. लेकिन किसी एक के हाथ में ना पेंसिल है ना पेपर है. डोंट यू थिंक इट्स अ शॉकिंग थिंग, किसी एक के हाथ में ना पेपर है ना पेंसिल है. जिंदगी तब्दील करने के लिए एक लम्हा एक जुमला भी काफ़ी होता है राइट. क्या पता वो एक जुमला एक लम्हा इस वर्कशॉप में था. एंड वी आर ह्यूमन बींग्स, वी डू फॉरगेट, इंसान है ना हम भूल भी जाते हैं. तो व्हाट यू नीड टू डू के बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन, कॉन्फिडेंट बनो. और कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों में सेम आप जैसे लोग हैं. अब मैंने अपने सर से पूछा तो मैंने कोई 8 दफ़ा बुक लिखी तो फारिग, मतलब इट वाज नॉट, वो इतनी वर्थ नहीं थी कि वो पब्लिश की जा सके. और उसके बाद जब पब्लिश हुई द फर्स्ट बुक आई रिटन वाज द एजुकेशन एंड लाइफ, ये इंग्लिश ज़बान में मैंने लिखी थी चूँकि मैं वहाँ पर था, तो ये बुक बहुत फेमस हो गई.